हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंटो डी टैबलेट्स के बारे में, जिसमें आपको जो साल्ट कॉम्पोजिशन देखने के लिए मिलता है वो मिलता है पेंटाप्रोजोल सोडियम एंड डैम्पेरिडोन देखने के लिए मिलता है। तो इस वीडियो में इस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे कि आखिरकार ये आपके किस किस बीमारी में काम आती है और इसको आपको किस तरीके से खाना चाहिए, इसके डोजेस किस तरीके से लेने चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रहती है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास जो है वो है पेंटो डी टैबलेट, जिसमें आपको मैंने बताया पेंटाप्राजोल सोडियम डैम्पेरिडोन साल्ट देखने के लिए मिलता है। साल्ट का मतलब मैं आपको बता दूं, साल्ट कॉम्पोजिशन का मतलब होता है जो आपको इसके अंदर दवाई देखने के लिए मिलती है। तो आपको इस डिब्बे में वैसे बहुत सारी टैबलेट देखने के लिए मिल जाती हैं इसमें एक में, बट आपको क्या करना है, एक स्ट्रिप लेनी है। तो ये देखिए, इस तरीके की आपको इसके अंदर स्ट्रिप देखने के लिए मिलती है, इतनी छोटी छोटी टैबलेट देखने के लिए मिल जाती हैं। तो ये जो पेंटाप्रोजोल सोडियम डैम्पेरिडोन जो साल्ट है, ये आपके आता है जैसे कि आपको गैस से होने वाली दिक्कत परेशानियाँ हो जाती है, जैसे आपके पेट में जलन, सीने में जलन, खट्टी डकारें आना, सांस की नली में जलन होना, दिल की साइड जलन होना, ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी होती है जो गैस की वजह से हो रही है आपके शरीर में, तो ये उनमें काम आती है। आप इनको कहीं से भी ले सकते हैं, मतलब कि आपको किसी भी आपके करीबी मेडिकल स्टोर पे इजीली ये प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर आपको इस नाम से नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप इसके साल्ट के नाम से ले सकते हैं। तो अब इसको हम खाने का तरीका जान लेते हैं, आखिरकार आपको इसके डोजेस किस तरीके से लेने चाहिए। तो आपके इसके जो डोजेज हैं वो सुबह शाम ताज़े पानी के संग लेने चाहिए। आप इसके डोजेज 3 टाइम भी ले सकते हैं, क्योंकि इस टैबलेट से आपको कोई भी साइड इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन कोई भी दवाई ज़्यादा, मतलब कि लिमिट से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आखिरकार वो किसी न किसी तरीके से नुकसान दे ही देती है। इसलिए आप ध्यान रखना, अगर आप 3 टाइम खाना चाहते हैं खा लें, उससे ज़्यादा नहीं ना खाएँ लेकिन, ओके, वो भी ताज़ा पानी के संग आप खाइए इसे सुबह और शाम।